अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग है संडे का। संडे का व्लॉग ज़रा बिज़ी था, को इसमें मैंने बनाया थी एक तो शवारमा पिज़्ज़ा नॉर्मल और सस्ता, और एक और बनाया था मीठी डिश जो पंजीरी टाइप थी, बहुत ही मज़े की लजीज बनी थी। आप भी बना के रखें और चाय के साथ उसको खाएँ, और बहुत मज़े की लगी, चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगी थी। ठीक है, इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले मैंने चिकन ली थी, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए, पीस करके उसको मैरिनेट करके मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाली थी, और हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये और रेड चिली, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल के इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ठीक है, देखिए मेरे पास वो लेमिनेशन वाला शॉपर नहीं था, तो मैंने आम शॉपर ही यूज़ कर लिया। ज़रूरी नहीं है दिखावे के लिए हर चीज़ को लेना पड़े, अगर नहीं है तो हम आम शॉपर आम चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास है वैसे ही। ये फिर मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया। उसके बाद मैंने मीठे वाला जो मैंने आपको बताया था वो बनाना शुरू कर दिया। ये है मीठे में मैंने 1 कप चीनी, 1 कप पानी और 4-5 इलायचियाँ कूट के इसमें डाली थी। ये शीरा बन जाएगा तो थोड़ा बनने लगेगा, तो साथ ही मैं बेसन और वो ड्राई मिल्क देसी घी में भून लूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें शीरा डालकर अच्छे से पका लूँगी, और फिर इसे एक डब्बे में डाल के उसमें ड्राई जो होते हैं किशमिश, बादाम, जो भी आपके पास हो वो आप उसमें डाल दें, और फिर इंजॉय करें, खाएं मज़े से। बहुत ही मज़े का और लजीज था। साथ ही साथ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सब सपोर्ट करेंगे तो मेरी एक छोटी सी फैमिली बड़ी फैमिली बनेगी, और फिर मैं आपको और मज़ीद मज़े मज़े के ब्लॉग शेयर करूँगी आपको अपने साथ ही साथ। ये भी है कि ये व्लॉग ज़्यादा ख़ास आपको नहीं लगेगा, बट जो मैंने संडे वाले दिन किया ख़ास काम, तो मैंने कहा आप सब के साथ शेयर करूं, शायद आपको इससे फ़ायदा हो, आप भी बनाएं। सस्ती रेसिपी और आसान सी रेसिपी, आप जब चाहें बनाएं और फिर खाएं मज़े मज़े से। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। ताबीर को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो खाती है, कहते हैं मुझे यही चीज़ खानी है, पंजीरी टाइप थी देसी घी में। बच्चों को दें तो बच्चों को फ़ायदा भी होता है और हेल्दी भी है, बच्चों के लिए अच्छा है। उसके बाद मैंने और कुछ काम किया था, कपड़े वगैरह धोए थे, घर की सफाई की थी, वो मैंने फिर शेयर नहीं की। रोज़ रोज़ वो वाले व्लॉग भी नहीं शेयर करने चाहिए। मैंने ये एवरीडे का पैकेट लिया था, छोटे 3 पैकेट ही इसमें डाले थे छोटे वाले, मैंने कहा बड़ी पैकेट क्या करना ज़ाया हो जाए, आज बनाई है। फिर काफ़ी सारी बन गई थी माशाल्लाह से, और फिर इतने में शीरा तैयार हो गया था। इसमें मैंने शीरा डाल दिया था और ड्राई मिल्क भी डाल के फिर शीरा इसमें डाला था, बहुत ही टेस्टी बना। अगर ये वाली रेसिपी आपको चाहिए और आपको समझ तो वैसे आ गई हो, तो मुझे कमेंट में बताएगा, मैं एक ये देखें, ये फाइनल इसकी लुक है, क्रिस्पी क्रिस्पी लुक है इसकी, बहुत ही मज़े का था, क्रिस्पी था। इसको मैं एक जब ठंडा हो जाएगा, एक तो पीछे शोर बहुत है, गली साथ है ना, तो आते जाते लोगों का शोर रहता ही है। ये देखिए मैंने फिर ठंडा होकर इसे एक डब्बे में डाल दिया था, इसके ऊपर बादाम डाल देते, मेरे पास बादाम ही थे, आप किशमिश हर चीज़ डालें मज़े से, बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगेगा, पंजीरी की तरह था, बहुत ही टेस्टी था। ये देखें, ये मेरी अपनी रेसिपी थी एक, तो ये मैंने बना लिया था। फिर ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रिज में रख दिया था, ठंडा हो जाए तो तभी ठंडा खाती है, गर्म चीज़ें नहीं खाती। साथ ही में ये मैगनेट हो गया था, तो फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी शवारमा बना लिया था बच्चों के लिए, बच्चे मांग रहे थे जल्दी से शवारमा बना दें। फिर बच्चों को एक शवारमा बनाया था और एक नॉर्मल सा पिज़्ज़ा बनाया था। ये मैंने डबल रोटी ली थी, ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो इसके आप पिज़्ज़ा आम सा बनाकर, ये मैंने खुद ही मायोनीज तैयार किया था, मायोनीज और केचप मिक्स करके और थोड़ा सा चिली सॉस और चीज़ें डाल के अच्छे से बना लिया था। ये देखें ये अच्छा सब बन गया था, फ्राई हो गया, तो बहुत ही ये चिकन बहुत ही टेस्टी बनी थी, मज़े की थी। और साथ ही मैंने डबल रोटी गर्म कर ली थी और फिर मैंने ये बना लिया था। आगे आप देखिएगा। Style. Style is
उसके बाद मैंने एक ये पराठा शॉर्मा रोल बनाया था, पराठा रोल या पराठा शॉर्मा समझ लें, बहुत ही मज़े का यमी बना था ये। आप पराठे में ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा इंशाल्लाह, आपको ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगेगा। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ अगेन मैं आपसे कह रही हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करिएगा। ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।